नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिस मिर्जा। मलखान सिंह हत्याकांड, अलीगढ़ के पूर्व पंचायत अध्यक्ष तेजवीर गुड्डू समेत 14 को आजीवन कारावास, एक भगौड़ा घोषित। 30 मार्च 2006 की शाम 5 बजे पूर्व विधायक मलखान सिंह व उनके गनर की उनके आवास के बाहर हत्या कर दी गई थी। पुलिस विवेचना में हत्या व हत्या के साजिश में तेजवीर सिंह गुड्डू सहित कुल 18 आरोपियों पर चार्जशीट दायर हुई। बहुचर्चित मलखान सिंह हत्याकांड में सजा सुना दी गई है। मामले में बुलंदशहर जिला जज न्यायालय ने अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अलीगढ़ जनपद के कद्दावर नेता व इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में सोमवार को बुलंदशहर सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह ने अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान कोर्ट में 14 अभियुक्त मौजूद थे, जबकि एक आरोपी सोनू उपस्थित नहीं हुआ। उसे फरार घोषित करते हुए उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई है। एडीजीसी ने बताया कि अलीगढ़ जनपद के वासी क्षेत्र की मानसरोवर कॉलोनी स्थित आवास के बाहर 30 मार्च 2006 की शाम इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उसके अंगरक्षक की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि आरोपी तेजवीर गुड्डू पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। 30 मार्च 2006 की शाम 5 बजे पूर्व विधायक मलखान सिंह और उसके गनर अपने आवास के बाहर थे, तभी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। पुलिस विवेचना में हत्या व हत्या की साजिश में तेजवीर सिंह गुड्डू सहित कुल 18 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। इन्हें हुई आजीवन कारावास। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सुखरवाली हाल निवासी जनपद हाउसपुर, ब्लॉक प्रमुख गोंडा, प्रदीप सिंह शहरी मंडी गोंडा, पूर्व प्रधान जितेंद्र, संजीव प्रेम सिंह, प्रदीप उर्फ अन्नू डोरा, भूपेंद्र गुप्ता, शरीफ खान, लालू खान, वहीं सोनू गौतम को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है।